नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाक जीआईटी ने पठानकोट हमले को बताया ड्रामा, कहा पाकिस्तान की छवि खराब करना चाहता है भारत, टीम को एयरबेस से नहीं जुटाने दिए सबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए नाटो सेना को बताया महत्वपूर्ण, नाटो को पूरा सहयोग देने का दिया आश्वासन, डोनाल्ड ट्रंप ने सेना की उपयोगिता पर उठाए थे सवाल। सीरिया में मारा गया लादेन का करीबी अबू फिरास, अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा के 22 आतंकी ढेर, हवाई हमले में फिरास के बेटे के भी मर जाने की आशंका। फिलीपींस और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का चीन ने किया विरोध, कहा दक्षिण चीन सागर में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना करे, हर साल होता है सैन्य अभ्यास। वियतनाम ने तेल से लदे चीनी जहाज को कब्जे में लिया, जहाज ने वियतनाम की जल सीमा में किया था प्रवेश, जहाज को हेफोंग के पूर्वोत्तर शहर ले जाया गया। गूगल स्टोर ने हटाया तालिबान का ऐप, ऐप में चरमपंथियों के बयान और वीडियो शामिल, 1 अप्रैल को किया गया था लॉन्च। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ खबरें हैं लगातार।